फंक्शंस के बारे में मैंने थोड़ा बहुत लिखवाया था आदित्य के नहीं? हाँ सर, लिखवाया था। चलो तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर हम फंक्शंस देख रहे हैं तो फंक्शंस और रिलेशंस दोनों का यही काम है कि दो सेट को कनेक्ट करते हैं, राइट? ए टू बी हमें सेट को कनेक्ट करना है, तो लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, अगर ए और बी हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स, राइट? तो हम ये बोलना चाहते हैं देन फंक्शन एफ इज देन अ रिलेशन एफ इज कॉल्ड अ फंक्शन। अभी हम रिलेशन लिखना सीख चुके हैं, दो सेट्स पे हम इजीली रिलेशन लिख सकते हैं कोई भी, राइट? Let A and B are two non-empty sets, then the relation F is called function if वो दो conditions पूरी करे। कौन सी थी वो दो conditions आदित्य बताएगा? Yes, sir. आलोक, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. तो हम फंक्शन स्टार्ट कर चुके थे जैसे तो लास्ट क्लास में, बस थोड़ा सा मैं इसका एक बार फिर से सिखा बता देता हूँ क्या होता है फंक्शन, डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो अगर ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो एक ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं जो ये दो चीजें पूरी कर रहा हो, जहाँ पे दो चीजें सेटिस्फाई हो रही हूँ। एंड वॉट आर दीज टू थिंग्स? फर्स्ट इज इफ एवरी एलिमेंट इन ए, एवरी एलिमेंट, फर्स्ट थिंग इज एवरी एलिमेंट, एंड सेकेंड थिंग इज यूनिक इमेज इन बी। आप समझ लेते हैं जरा क्या कहना चाहता है ये इस बात से। ये कहना चाहता है कि सपोज अगर आपके पास ऐसे कोई दो सेट्स दिए हुए हैं और आप मैपिंग कर रहे हैं, तो मैपिंग करना हम देख चुके हैं रिलेशन में भी, मैपिंग करने का क्या मतलब होता है? मैपिंग करने का मतलब होता है एरो डायग्राम से ए के एलिमेंट बी से कनेक्ट करना, राइट? एरो डायग्राम से ए के एलिमेंट बी के अंदर कनेक्ट करना। तो सपोज ए के अंदर है 1 2 3 और बी के पास है ए बी सी, और मैं ऐसे एरो से इनको कनेक्ट कर देता हूँ, तो एक रिलेशन बन जाता है, जैसे कि ये एक रिलेशन बना हुआ है। यस सर। बट कुछ खास तरीके के रिलेशंस को हम फंक्शंस बोल सकते हैं, सारे रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकते। सारे फंक्शन को आप वापिस रिलेशन जरूर बोल सकते हो, राइट? बट सारे रिलेशंस को फंक्शंस नहीं बोल सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सारे के सारे स्क्वायर्स को रेक्टेंगल बोला जा सकता है, बट सारे रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोला जा सकता, राइट? वैसे ही है कि हमारे पास अगर हम किसी भी तरीके से ए और बी को कनेक्ट कर रहे हैं तो एक रिलेशन तो बन ही जाएगा, राइट? बट वो रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमें दो कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी हर बार। पहली कंडीशन, कोई भी एलिमेंट ए का जो पहले वाला सेट है, इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। खाली नहीं होने से ये मतलब है कि हमारे पास हर एक एलिमेंट ए का बी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, अभी जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है ये मैपिंग, क्या ये फंक्शन दिखा रहा है मेरे को? क्या ये फंक्शन शो कर रहा है या रिलेशन शो कर रहा है? नहीं सर, रिलेशन शो कर रहा है। रिलेशन शो कर रहा है, व्हाई सर? क्योंकि सर अब वन कनेक्टेड है। करेक्ट, यस सर। क्योंकि टू और थ्री का कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, ना टू से कोई कनेक्टेड है ना थ्री से कोई कनेक्टेड है। दूसरी बात, आपका सारे के सारे एलिमेंट तो कनेक्टेड होने ही चाहिए। अब मान लो मैंने सारे एलिमेंट कनेक्ट कर दिए, क्या भी एक फंक्शन है? Yes, sir. एक कंडीशन के हिसाब से तो ये फंक्शन है। पहली कंडीशन ये थी कोई भी एलिमेंट ए का खाली नहीं होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। सर तो एक डाउट है मेरा, ए का अगर कोई खाली नहीं होना चाहिए तो बी का खाली हो सकता है? बी का खाली हो सकता है,
बी के बारे में कोई दिक्कत नहीं, ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ए वाले एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इनपुट, ये हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, कुछ अपन को आउटपुट मिलेगा, इसको अपन कोडोमेन भी बोल देते हैं इसका नाम, और इसको अपन इमेज भी बोल देते हैं। इमेज जैसे वन की इमेज है ए, टू की इमेज है बी, थ्री की इमेज है सी। सिमिलरली इधर वाले एलिमेंट्स को हम इनपुट भी बोल देते हैं, साथ साथ डोमेन भी बोल देते हैं और प्री इमेज भी बोल देते हैं। प्री इमेज, तो पहली कंडीशन थी कि कोई भी एलिमेंट डोमेन का खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि एक एलिमेंट का एक ही आउटपुट आना चाहिए, सॉरी आई हैव टू पुट इट इन अनदर वे, एक इनपुट का एक ही आउटपुट आना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इनपुट के दो आउटपुट है, ध्यान दीजिएगा जरा इस बात। अब मैं इसको आपको शो करके दिखाता हूं, ये चेक करिए। मान लो मैंने ये ऐसे कर दिया, तो अब देखो यहां पे पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, वन भी कनेक्टेड है, टू भी कनेक्टेड है, थ्री भी कनेक्टेड है, पर दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। दूसरी कंडीशन थी कि यूनिक इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज का ये मतलब था कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। यहाँ पे देखो वन की दो इमेज बन रही है, या एक इनपुट वन के दो आउटपुट आ रहे हैं, एक आउटपुट है ए, एक आउटपुट है बी। दिस इज नॉट अ फंक्शन सर। तो फिर ऐसे नहीं कह सकते कि एक का वन भी हो सकता है और एक का टू भी हो सकता है, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दो इनपुट का एक आउटपुट आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर एक इनपुट का दो आउटपुट आ रहे हैं तो प्रॉब्लम। सर तो मतलब कि जो हमारा आउटपुट है वो उतना डिपेंड नहीं करता है, आउटपुट से हमें ज्यादा मतलब नहीं है। हाँ, हम सिर्फ इनपुट की कंडीशंस को मैटर, हमारे लिए इनपुट मैटर करता है। यस सर। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा क्या दिस इज अ फंक्शन, ये बताओ मेरे को एक बार, चेक करते हैं। इज दिस अ फंक्शन? यस सर। यस सर। देखो यहाँ पे भी अपने पास फिर से वापस दो ही कंडीशन है। दो कंडीशन क्या क्या थी? पहली कंडीशन थी कि कोई भी सेट ए का एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है। सेट ए में वन टू थ्री है, तीनों एलिमेंट कनेक्टेड है किसी ना किसी से, राइट। दूसरी कंडीशन थी कि सेट ए के एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, वन की एक ही इमेज है ए, टू की भी एक ही इमेज है ए, और थ्री की इमेज है सी। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वन और टू दोनों की इमेज ए है, इससे कोई परेशानी नहीं है, बट हाँ अगर वन की दो इमेज बन जाती तो प्रॉब्लम हो, राइट। सो दिस इज अ फंक्शन। तो अलग अलग एग्जांपल्स दिए मैंने आप दोनों को। सर तो क्वेश्चन में ऐसे कोडोमेन और दो, सर क्वेश्चन में ऐसे कोडोमेन और डोमेन दिया होगा या फिर एक रिलेशन दिया होगा, उसको क्या होगा कि इसका कोडोमेन डोमेन भूल गया। ये तो एक नंबर का क्वेश्चन है, इसमें तो हमें दिया होगा, बट वैसे जनरली अगर हम बात करें तो फंक्शंस में हमें डोमेन और रेंज, कोडोमेन ये सब चीजें निकालनी पड़ेगी। रिलेशन में तो हमें पहले रिलेशन बनाना पड़ेगा और तब हम बता सकते हैं, बट फंक्शन में यही चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। अभी देखते हैं कैसे करेंगे उसको। अब अगला टॉपिक हमारा वही है, ठीक है सर। सर नोट कर लिया। आदित्य एंड ताह नोट कर चुके? यस सर कर लिया। यस सर कर लिया। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये है, यू हैव टू आइडेंटिफाई which of these are functions and which of these are not.
हाँ जी फर्स्ट सर सिर्फ फर्स्ट होगा ओके तो फर्स्ट फंक्शन होगा राइट यस सर हेलो यस सर कहा यस सर सिर्फ फर्स्ट वाला ही फंक्शन होगा करेक्ट अच्छा चलो मैं एक एक करके रीजन पूछता हूँ सेकंड वाला फंक्शन क्यों नहीं होगा स्टार्टिंग फ्रॉम का सर क्योंकि यहाँ दो इनपुट का एक ही आउटपुट है तो क्या हमें इससे प्रॉब्लम है था नहीं ये केस तो फर्स्ट में भी हो रहा है ऐसा तो फर्स्ट में भी हो रहा है अगर तू ध्यान से देखे तो टू और थ्री दोनों इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है सिर्फ बी तो why is this not a function? सर ये भी फंक्शन होगा फंक्शन होगा हेलो इस बारे में क्या कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में सर ऑब्वियसली ये फंक्शन है अच्छा ये फंक्शन है ऑब्वियसली ये फंक्शन है सर नहीं है क्योंकि थर्ड वाला मैंने यही डाउट पूछा था अभी थोड़ी देर पहले अच्छा क्या आदित्य ने बताया देखो तुम्हारा सर थर्ड नहीं होगा क्योंकि जो थर्ड एलिमेंट है उस किसी से कनेक्टेड नहीं है और फर्स्ट उसके हिसाब से होना चाहिए सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड इसलिए नहीं है हेलो ऑब्वियसली नहीं है तो ये इसलिए नहीं है बिल्कुल वो बात उसकी वजह से फंक्शन है जो तुमने डाउट पूछा था उसकी वजह से फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी अभी तहा से भी तो वही बात हुई हमारी ने कहा क्योंकि दो इनपुट का एक आउटपुट आ रहा है इसलिए फंक्शन नहीं है तो हमने उससे ये बोला कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन में भी तो यही हो रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में भी तो दो इनपुट का एक ही आउटपुट है बट स्टिल वो फंक्शन है इसकी वजह से फंक्शन है इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपने एक एलिमेंट छोड़ दिया है डोमेन के अंदर इनपुट के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है थ्री जो किसी से कनेक्टेड नहीं है वो एक्सेप्टेबल नहीं है yes, sir. तो दिस इज जस्ट अ रिलेशन नॉट अ फंक्शन रिलेशन तो है ये बोल सकता हूँ थर्ड वाले में क्या प्रॉब्लम है आलोक सर थर्ड वाले में ये प्रॉब्लम है क्योंकि कनेक्टेड है मैंने मारने है सर, ये तो बात हम करके ही आ चुके हैं दो बार इससे तो कोई परेशानी नहीं है हमें हाँ सर फर्स्ट वाले में भी यही हो रहा है सेकंड वाले में भी यही हो रहा है दोनों में कोई दिक्कत नहीं है हमें उस चीज की वजह से हमें कोई परेशानी नहीं है दो इनपुट का एक आउटपुट एक्सेप्टेबल है एक इनपुट के दो आउटपुट वो एक्सेप्टेबल नहीं सर होता है ना कि बोलना कुछ चाहते हैं बोल कुछ देते हैं तो बता दे फिर अब बता दे चल अब बोल ले बता थर्ड हाँ, में क्या प्रॉब्लम है सर थर्ड में प्रॉब्लम है थर्ड में कुछ प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ मैं बता रहा हूँ है प्रॉब्लम देख ध्यान से सर जो मैंने चार रिलेशंस आ रहे हैं अब सोच तू तहा से पूछता हूँ हाँ बता क्या प्रॉब्लम है थर्ड क्वेश्चन और टू सर बी सर बी से दोनों से कनेक्ट है देखो मैं एक इनपुट के दो आउटपुट आ रहे हैं उस चीज से हमें प्रॉब्लम है ये पॉसिबल नहीं है और क्यों पॉसिबल नहीं है ये मैंने लास्ट क्लास में बताया अभी था है ना आदित्य याद है ये बात मैंने बताई थी कि क्यों ऐसा होता है अभी इसको हम और अच्छे से समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है क्यों हमें इससे प्रॉब्लम है हमें प्रॉब्लम इससे बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है हमारी इससे जो बनाई गई है मतलब जो इससे प्रॉब्लम है अभी आप भी समझेंगे जब आप उस चीज को पढ़ेंगे तो आपको भी ये बात समझ आएगी कि हाँ हमारी ये प्रॉब्लम है जेन्युइन प्रॉब्लम है और क्यों ऐसा हो रहा है इस बात से हमें प्रॉब्लम है ठीक है तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है मतलब कि यहाँ पे टू मतलब टू अगर टू भी कनेक्टेड होगा तो हाँ एक इनपुट के दो आउटपुट हो गए ना हाँ सर इसे गलत हो गया टू इज कनेक्टेड टू बी एंड सी बोथ यस सर मैंने बस सी पे ही कॉन्सेंट्रेट किया रीजन लिख लो इसका कोई दिक्कत नहीं सारे एग्जांपल्स भी लिखने और उनके रीजंस भी लिखते जाना है सेकंड में क्यों बिकॉज थ्री डजंट हैव एन इमेज ठीक है कोई इमेज नहीं ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है फंक्शन के अच्छा जी तला फोर्थ सॉरी कहा कहा फोर्थ वाले के लिए क्या प्रॉब्लम है फोर्थ वाले में भी वही है एक इनपुट के दो आउटपुट
एक इनपुट के दो आउटपुट है, ये प्रॉब्लम है। एक इनपुट के अपन दो आउटपुट नहीं ले सकते यार, एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा, दो इनपुट का एक आउटपुट चलेगा, हमें कोई परेशानी नहीं है इस बात से। ना ही तो कोई इनपुट ऐसा हो जिसका आउटपुट ना आ रहा हो, जैसे कि सेकंड केस में हुआ, और ना ही कभी ऐसा होना चाहिए कि एक इनपुट के दो आउटपुट आ जाए, जो कि थर्ड और फोर्थ दोनों केसेस में हुआ। अच्छा, क्या अब भी फोर्थ वाला फंक्शन है? यस सर। यस सर। क्या अभी फोर्थ वाला फंक्शन है? आलोक बता। आई थे तू समझ चुका, तहा भी समझ चुका, अब आलोक yes, sir, है। ले लो। क्यों है? चल दो कंडीशन, बार बार जब भी मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा नहीं सर, नहीं है। क्यों नहीं है? सर क्योंकि टू कनेक्टेड नहीं है। बस यही दो चीजों पे ध्यान देना है, क्या कोई एलिमेंट ऐसा है पहले वाले में जो कनेक्टेड ना हो? अगर सारे कनेक्टेड है तो फिर ये देख के क्या कोई एलिमेंट ऐसा है जो दो जगह से कनेक्टेड हो गया हो? बस दो ही चीजों पर ध्यान दो। बट मैं इसको फंक्शन बना देता हूं, इसको ऐसे लिखते हैं, इससे अपन को कोई प्रॉब्लम। दिस इज ऑल्सो फंक्शन, दिस इज जस्ट अ रिलेशन ऑफ द मोटा फंक्शन। सिमिलरली ये भी सिर्फ एक रिलेशन है, मोटा फंक्शन। अगर फोर्थ वाले की बात करते हैं, बिल्कुल जी फंक्शन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेट ए के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड भी हैं, और सेट ए के सारे एलिमेंट एक ही बार कनेक्टेड। चलिए जी, ये तो हुआ हमारा एक नंबर का क्वेश्चन, आपके बोर्ड्स में आपसे ऐसी ऐसी चीजें पूछ सकते हैं, वन मार्क पर कोई भी क्वेश्चन। एक और चीज, कभी कभी आपको ग्राफिकल वे में भी पूछ लिया जाता है कि फंक्शन है या नहीं है, तो पहले आप इसको नोट कर लो। कोई बच्चा है तो हैंड रेज कर दे, तहा अगर कुछ बचा होता है तो हैंड रेज कर दो, अदरवाइज हम रब कर देते, बट हम पूछेंगे जब भी, तो आप सिर्फ हैंड रेज करके मेरे को बता सकते हो कि हमारा नोट हुआ है नहीं हुआ है। आप हैंड रेज करेंगे तो इसका ये मतलब है आपने नोट नहीं किया है, फिर आप हैंड लोअर डाउन तभी करिएगा जब आप नोट कर चुके हैं, है ना, जैसे आलोक कर चुका है देखो, तो अब वो हैंड लोअर डाउन तब करेगा जब वो लिख लेगा, राइट। और अगर हमारे पास सपोज आपने लिख लिया है तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही समझ जाऊंगा कि आप लिख चुके। जैसे ही आपका हैंड लोअर होगा मैं समझ जाऊंगा कि आप लिख चुके हैं, जैसे अभी आलोक ने फिर से हैंड लोअर कर लिया तो मैं समझ गया उसने लिख लिया, आदित्य बचा हुआ। ओके कूल, तो रब कर दूंगा मैं इसको। यस सर। एक और तरीका है जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि ये जो चीज है ये फंक्शन है या नहीं है, और ऐसा लास्ट टू लास्ट ईयर आपका एक नंबर का एक बोर्ड्स में सैंपल पेपर में क्वेश्चन डाला हुआ था कि वहां पे आपको कुछ ग्राफ दिए हुए थे और उन ग्राफ में आपको चेक करना था कि कोई चीज फंक्शन है या नहीं है। तो ग्राफिकल वे टू चेक द फंक्शन क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल पैरेलल लाइन टेस्ट, वीपीएल। वर्टिकल पैरेलल लाइन टेस्ट, चलो पहले समझ लो, लिख भी लेते हैं, अब लिख लेंगे पहले समझ। मान लो आपको मैंने कोई ग्राफ दिया, ये मैंने आपको एक ग्राफ दे दिया, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस सर्कल, राइट। तो मैंने आपको एक सर्कल दिया, मैं पूछना चाहता हूं कि देखो ये जो चीज है क्या ये फंक्शन होगी, तो ग्राफ से भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज फंक्शन है या
रिलेशन पता कैसे करना है, वर्टिकल पैरेलल लाइन टेस्ट नाम ही टेस्ट का ये है, वर्टिकल पैरेलल लाइन, वर्टिकल बोले तो खड़ी हुई लाइन और वाई एक्सिस आपको बिल्कुल वाई एक्सिस जिसे वर्टिकल है, तो यू हैव टू ड्रॉ सम पैरेलल लाइंस टू वाई एक्सिस, कर तो आप कितनी भी ड्रॉ सकते हैं, आप जितनी चाहें उतनी पैरेलल लाइंस ड्रॉ करिए वाई एक्सिस के, अगर कोई भी एक लाइन आपके ग्राफ को दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही है तो आप बोल देंगे वो ग्राफ फंक्शन नहीं बनाएगा, वो ग्राफ रिलेशन बनाएगा। जैसे मैं दिखाता हूं, मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू वाई एक्सिस, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अंदाजे से भी बता सकते हैं, तब ऐसी कोई ये नहीं है कि हमें इसे ड्रॉ करके ही दिखाना है, पर समझने का तरीका है। आप बहुत सारी वर्टिकल नहीं, सिर्फ पता करना होगा, वन मार्कर क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा कि ये ग्राफ फंक्शन बता रहा है रिलेशन बता रहा है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। देखो लाइंस तो मैं बहुत ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं आपको दिखा भी रहा हूं, पर जितनी भी लाइंस मैंने ड्रॉ करी मुझे बस कोई भी एक ऐसी लाइन चाहिए जो इस ग्राफ को दो जगह कट कर दे। देख लो मुझे दो लाइंस मिल चुकी हैं, ऐसी और भी बना सकता हूं मैं ऐसी लाइंस, पर मेरा तो एक से ही काम हो जाता, बस मुझे तो एक ही चाहिए थी। एक भी लाइन अगर हमारे ग्राफ को दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, इट इंप्लाइज दैट इट इज अ रिलेशन। अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही होती तो मैं बोल देता इट इज अ फंक्शन। मतलब हम इससे सारे लाइंस को लेंगे, हाँ जितनी पॉसिबल लाइंस आप बना सकते हैं, बट आपको सिर्फ एक ही लाइन चाहिए, कनेक्ट हो गया तो। एक भी अगर दो पॉइंट पे जुड़ दो पॉइंट पे कट कर गया हमारे ग्राफ को, बोल देंगे भाई ये तो फंक्शन है, सॉरी ये तो रिलेशन है। मान लो देखो मैंने एक ग्राफ ऐसे बना कर दिया, ये मैंने आपको ग्राफ बना के दिया, मैंने पूछा बताओ ये ग्राफ रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप क्या करेंगे? आप इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दो। अब ऐसी ड्रॉ करना मत शुरू करो, अपने दिमाग से सोचो इस चीज को, जब आप ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ करने के बाद आप इसको कहीं पर भी ड्रॉ कर लो, हमेशा एक ही पॉइंट पर कट करेगा, क्योंकि ग्राफ नीचे है ही नहीं इसके कभी भी। भाई ग्राफ यहाँ पे देख रहे हो तो अगर ऊपर कुछ ग्राफ था तो नीचे भी उसके कुछ ग्राफ था, वहां पे ये प्रॉब्लम थी, तो वहां पे मुझे देखते ही पता चल गया था कि ये एक रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी ऐसी पैरेलल वर्टिकल लाइंस बना सकता हूँ पैरेलल टू वाई एक्सिस जो दो पॉइंट पर कट करेंगे हमारे ग्राफ को, बट नीचे वाले केस में मैं एक भी लाइन ऐसी नहीं बना सकता जो दो पॉइंट पर कट करेगी ग्राफ, एक ही पॉइंट पर मैक्सिमम कट कर सकती है, कहीं भी बना लो जहां चाहते हो वो ग्राफ को आपके एक ही पॉइंट पर कट करेगी, यानी कि दिस इज अ रिलेशन, दिस इज अ फंक्शन। तो क्वेश्चन में ऐसे लाइन नीचे देख के कंफ्यूज कर देता है, क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ नहीं देगा, वो क्वेश्चन में तो सिर्फ ग्राफ देगा। हां वो ये जो नीचे लाइन दे रहा था ये कंफ्यूज करने के लिए नहीं दे तो रखी है, नीचे लाइन कंफ्यूज करने के लिए नहीं दे रखी है, उसने तो बस एक ग्राफ दिया है किसी भी चीज का, ऐसा ग्राफ बनेगा आगे जब हम पढ़ेंगे ना अपनी कुछ चीजें, तो ऐसे ऐसे ग्राफ आएंगे तुम्हारे सामने, सर्कल भी पढ़ना है मैं, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन भी पढ़ना है मैं, तो ऐसे ग्राफ आते रहेंगे। अब क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया था उसने, वो तो बस उसने दिया कि एक ग्राफ है, एक आप बताओ कि ये क्या फंक्शन बनाएगा या रिलेशन बनाएगा, तो आपको चेक ये करना है कि क्या कहीं भी एक लाइन ऐसी बन सकती है जो इस ग्राफ को दो पॉइंट पर कट कर दे, अगर एक भी लाइन ऐसी है जो ग्राफ को दो पॉइंट पर कट कर सकती है आप एकदम बोल दोगे ये रिलेशन बनता है, अदरवाइज फंक्शन बनता है। बात समझ आई? यस सर समझ आ गया। आदित्य अंतः? यस सर। यस सर। ओके अब जरा इसको लिख भी लो कि वर्टिकल पैरेलल लाइन टेस्ट से कैसे चेक करते हैं। ड्रॉ वर्टिकल लाइंस parallel to y axis draw vertical lines parallel to y axis, ये parallel का symbol होता है,
parallel to y axis. And check whether any one of these lines कोई भी एक check whether any one of these lines is cutting the given graph या is meeting the given graph at two or more points. दो या दो से ज्यादा पॉइंट आपको ये चेक करना है. वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करिए पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड चेक वेदर एनी वन ऑफ दीज लाइंस इज कटिंग द गिवन ग्राफ एट टू और मोर पॉइंट्स. इफ सो, अगर ऐसा हो रहा है कि आपका ग्राफ दो या दो से ज्यादा पॉइंट पर कट हो रहा है, इफ सो देन द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट रिलेशन. सर एक मार्क के क्वेश्चन को इतना ब्रीफ करके लिखना पड़ेगा या फिर सीधा हम लिख सकते हैं सही रिलेशन? तो सीधा लिख सकते हैं, एक लाइन खींच के दिखा देंगे बस उसे. हाँ ये तो बाद में याद रख लेंगे. ये तो आपको मैं लिखवा रहा हूँ कि आप कभी आप भूल जाओ इसको तो आप ऐसे आगे पढ़ के याद करो. हाँ वो ही वही मैं भी कहता एग्जाम के टाइम पे. अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ. पहले आप ये दोनों एग्जांपल्स नोट कर लीजिए. एक रिलेशन का एग्जांपल है, एक फंक्शन का एग्जांपल है. सारे के सारे फंक्शंस रिलेशन बोले जा सकते हैं बट सारे रिलेशंस फंक्शन नहीं हो सकते. सिर्फ वही रिलेशन या वही खास तरीके के रिलेशंस फंक्शंस बोले जाएंगे जो हमारी ये दो कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो. डोमेन का कोई एलिमेंट ना रहे खाली और एक इनपुट का मिले एक ही आउटपुट, एक इनपुट के दो आउटपुट ना. फर्स्ट वाला ग्राफ रख कर सकते हो? यस. बचाते हैं इस वक्त. चलो मेरे को पहचान के बताओ क्या ये एक फंक्शन है? नहीं सर, रिलेशन है. कहा क्या लगता है? रिलेशन. क्यों? क्योंकि जो लाइन हम वर्टिकल लाइन बनाएंगे जो पैरेलल होगी वाई एक्सिस से, वो सर दो से ज्यादा ही, एक से तो ज्यादा ही पॉइंट पे मिलेगी, है ना. हम बना सकते हैं ऐसी लाइन कि जो पैरेलल टू वाई एक्सिस भी हो और इस ग्राफ को भी कई पॉइंट्स पर कट कर लिए. जैसे कि ये देखो, ये बना लो. सवालों के क्वेश्चन पूछा गया था ये फंक्शन है रिलेशन. तो ये देखो मैंने एक लाइन बना के देख ली. अब लाइन तो मैं बहुत सारी बना सकता हूँ पर मुझे ढूंढनी वही वाली है. मेरा मोटिव यही होना चाहिए कि मैं सिर्फ वो वाली लाइन ढूंढना चाहता हूँ जो इसको दो या दो से ज्यादा पॉइंट पर कट कर दे. यूं तो इसके अंदर ऐसी भी लाइंस बना सकते हैं जो एक भी पॉइंट पर कट ना कर रही है इसको, बट उस लाइन से मतलब नहीं है अपन को. अपन को तो इस बात से मतलब है क्या कोई भी एक भी ऐसी लाइन है जो इसको दो या दो से ज्यादा पॉइंट पर कट कर दे? बिल्कुल है. इनफैक्ट कई मिल जाएंगी. आदित्य लिख लिया तो सॉरी आलोक. सो जो नीचे वाला है ये तो एकदम नीचे वाला डायग्राम मतलब ग्राफ, ये तो फंक्शन है ना? ये फंक्शन. हाँ ठीक है सर. लिख लिया. कहा कंप्लीटेड?
यस सर बता सकता है अगर ना हुआ करे कंप्लीट तो सिर्फ हैंड रेज कर दिया ओके चलिए कुछ बेसिक से क्वेश्चन कर लेते हैं A function f is defined as अब आपको बताया गया है ये function हाँ जी क्वेश्चन इजी है आप कर सकते हैं वो बात नहीं पर पहले मेरी बात सुनो फंक्शन ने क्या किया अभी तक आपने क्या सीखा आपने सीखा कि दो सेट को आपस में कनेक्ट कर देगा वो फंक्शन बन जाएगा बहुत बढ़िया बात है क्लैपिंग कर देते बहुत बढ़िया है हमने सीख लिया ये चीज ठीक है बट अगर हम बात करते हैं इसके यूज की फंक्शन की तो फंक्शन यूज दो सेट को जोड़ने में आता तो है बट उतना मेजर यूज नहीं है इसका उसके लिए हमारे पास रिलेशन भी है अगर हम ये बात करते हैं कि फंक्शन का मैक्सिमम यूज किस तरीके से होता है या जो हम पढ़ने वाले हो जो आप पढ़ने वाले हो 11th 12th में वो फंक्शन किस तरीके से चलेगा तो आप ऐसे समझिए कि फंक्शन में सिर्फ दो वेरिएबल को कनेक्ट करने का काम नहीं दो सेट्स को कनेक्ट करने का काम नहीं है फंक्शन का एक काम ये भी है कि ये दो वेरिएबल्स को कनेक्ट करता है जैसे कि सपोज यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल को कनेक्ट कर रहा है ये जो एफ एक्स है ये पूरा का पूरा एक वेरिएबल है इसको मैं वाई भी बोल सकता हूँ जनरली अब आप जैसे जैसे आगे चलेंगे तो आपका फंक्शन एफ एक्स जी एक्स एफ वाई जी वाई कुछ ऐसे दिया गया होगा एफ एक्स जी एक्स ही दिया गया होगा जनरली या एच एक्स तो फंक्शन का हम कुछ भी नाम दे देंगे जैसे कि फंक्शन का नाम है एफ और ये जो अंदर लिखा हुआ है ये बता रहा है इसका वेरिएबल क्या है आपको जनरली वेरिएबल एक्स ही मिलेगा ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं आपको एक्स ही मिलेगा इस एफ एक्स को फंक्शन का नाम बोल दिया गया कंप्लीट मैं इस एफ एक्स को वाई भी बोल सकता हूं एक बार आगे चलते हुए हम इसे वाई लिखेंगे भी कई बार लिखेंगे तो ये एफ एक्स को हम बोल देते हैं वाई तो बेसिकली यहाँ पे वाई और एक्स दो चीजें हैं दो वेरिएबल्स हैं ये उन्हें कनेक्ट कर रहा है कनेक्ट कैसे कर रहा है कि वाई की वैल्यू 2x-3 के इक्वल आप x को रखते जाएंगे x है आपका इनपुट y आपको मिलता जाएगा y है आपका आउटपुट या fx है आपका आउटपुट y और fx दोनों एक ही बात अभी वो आपसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है f0 निकालो f0 निकालने का ये मतलब है कि f तो हो गया नाम फंक्शन का जीरो का मतलब हो गया आप x की जगह जीरो पुट कर दीजिए x को रिप्लेस कर दो जीरो से तो जहां जहां तो मेनली हमें फंक्शन ढूंढने के लिए x निकालना पड़ेगा या fx निकालना पड़ेगा फंक्शन कभी ढूंढना नहीं है द बेस्ट पार्ट इज हेलो फंक्शन हमें हमेशा गिवन होगा जो भी फंक्शन होगा वो हमें हमेशा गिवन होगा जैसे यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है 2x-3 है फंक्शन ऐसे कुछ और भी हो सकता है मैं सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हर बार फंक्शन कुछ भी गिवन हो सकता है बट फंक्शन जनरली हमें गिवन होगा फंक्शन अपन को नहीं ढूंढना है अपन को क्या ढूंढना पड़ सकता है ये पहली चीज वैल्यूज फंक्शन की या आउटपुट्स जैसे पहला आउटपुट हम निकालना चाह रहे हैं कि जीरो पे क्या आउटपुट आ रहा है फंक्शन एफ जीरो निकालने का ये मतलब है तो पहला मेरे साथ कर लो और इस चीज को समझ लो ऐसे ऑल्दो वैसे आपने ये काम 9th और 10th क्लास में पॉलिनोमियल्स में किया है अगर आपको याद हो तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही काम करके आएगा तो इसका आंसर -3 ही होगा बिल्कुल अच्छा तो वैल्यूज पुट करनी है बिल्कुल तो इनपुट हमारा जीरो है तो अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो रख रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आप हर जगह एक्स को जीरो से रिप्लेस कर दीजिए तो ये बनेगी वैल्यू एफ जीरो और एफ जीरो की वैल्यू आएगी 2 × 0-3
यानी कि आंसर आया माइनस। सेकंड केस में मेरे को F2 निकालना है, आप बता सकते हैं F2 का आंसर क्या होगा? यस कहा, बात समझ आई? यस सर आ गई। तो ये बना 4-3 यानी कि आंसर आया मेरे पास 1। थर्ड केस में वो मुझसे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्स बताइए, इस बार क्वेश्चन डिफरेंट है, ध्यान से देखिएगा, वैल्यू ऑफ एक्स बताइए एट विच एफ एक्स आपका 5 है। आपको वो वैल्यू बतानी है वेरिएबल की जहां पे आपके एफ एक्स की वैल्यू 5 है। सर 4 हो जाएगा आंसर। तो इस बार आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से शुरू करेंगे। इस बार आप क्वेश्चन को इस तरीके से शुरू करेंगे कि एफ एक्स आपको दिया गया है 2x-3 और एफ एक्स की वैल्यू तो बता दी है 5 है, यानी कि ये तो है 5। आपको वो एक्स निकालना है जिसपे इसकी वैल्यू 5 है। आप 3 को इधर लेके आएंगे 8 हो जाएगा ये, तो 2x = 8 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी। ये तो बहुत ही बेसिक स्टफ फंक्शंस का, फटाफट नोट करो। डन सर। इसके बाद आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। आप ये तो वे फंक्शन, हमारे सिलेबस में रियल फंक्शन, तो रियल फंक्शन क्या होते हैं? रियल फंक्शन ये फंक्शन होते हैं कि अगर आप सेट ए को सेट बी से जोड़ रहे हो या एक्स वेरिएबल को वाई से जोड़ रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेट ए और सेट बी भी या एक्स और वाई सारी वैल्यूज रियल नंबर्स हैं। मुझे नहीं पता आपने कॉम्प्लेक्स नंबर अब तक पढ़ा या नहीं पढ़ा, बट एक आपका चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं बेसिकली इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं या जिनका हम यूज करते हैं जनरली, जो आपके नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी यूज होते हैं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर आपके डे टू डे लाइफ में यूज नहीं होते। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज है बहुत खतरनाक, बट वो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज नहीं होते हैं, राइट? वो बड़ी बड़ी चीजों में यूज होते हैं, जैसे लाइक अभी ये बिग बैंग थ्योरी इसमें जो देख रहे थे, या फिर ब्लैक होल थ्योरी में भी काफी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज है, या फिर जब हम प्लेनेटरी मोशन की बात कर रहे होते हैं, तो इन सब चीजों में यूज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। नो डाउट कि कॉम्प्लेक्स नंबर इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ाया कम जाता है हम लोगों को इसका। कॉम्प्लेक्स नंबर का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, या फिर यूं कहो कि आप अभी उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। आपको बस एक ही चैप्टर पढ़ाया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से उसके बारे में बेसिक बेसिक बातें बताई जाएंगी। फिर जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तब आप आगे अगर मैथ्स लेते हैं तब आप आगे चल के कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो है रियल फंक्शन। रियल फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं राइट, कि जिनके आंसर भी रियल नंबर है और जिनका इनपुट भी रियल नंबर ही हो। इनपुट आउटपुट दोनों रियल नंबर्स के सबसेट हो सकते हैं, ऐसे बोल दो। मतलब रियल या तो सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाए, सारे ना आ रहे हो तो कुछ रियल नंबर्स आ जाए, बट आए रियली, आंसर भी रियल आए, इनपुट भी रियल रखा जाए। ऐसा नहीं कि भाई आपने कुछ इधर उधर से उठा के चीजें रखी। तो फंक्शन F A to B is called real if A and B both are subsets of real numbers. तो अपन को real numbers ही पढ़ने हैं। और अब पढ़ते हैं real function के बारे में, अपन को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो ये तो हो गए basic functions, क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, कब बनेंगे।
बट अब बात करते हैं कि जो हमारा यूज है वो तो जनरली हमें कोई ना कोई एक्सप्रेशन दिया जाएगा फंक्शन का. दो चीजें हमसे पूछी जाएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं. दो, एक डोमेन, एक रेंज. एंड बिलीव मी इस पे क्वेश्चन आने वाला है आपके बुक्स, मतलब आपके एग्जाम्स, स्कूल एग्जाम्स. यस सर, डोमेन और रेंज तो बहुत कॉमनली आता है. हाँ जी, कैन आई हेल्प दिस? कोई बच्चा है? यस सर, मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या? हेलो हेलो सर, हाँ जी, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर, यस सर. तो सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट लिखो, सर. सर एक्चुअली मैं क्या, मेरा नेटवर्क रियल फंक्शन लिखने के बाद एकदम लास्ट जो आपने एक लाइन में बोली थी, आप वो फिर से बोल सकते हो? हाँ बताओ कौन सी. बट मैंने लास्ट में यही पूछा था तुमसे कि तुम उत्तर हो पाओगे कि नहीं, शायद. यस सर, ये पूछा था. ओके, तो रियल फंक्शंस ही हमारे यूज होने वाले हैं मोस्टली, राइट? बट हमारा जो फंक्शंस यूज होता है उस पोर्शन को हम बोलते हैं कैलकुलस. आपको ट्वेल्थ में काफी कैलकुलस पढ़ना है, लाइक 50% पोर्शन आपका कैलकुलस का ही है. इलेवेंथ में भी थोड़ा सा पोर्शन है, बहुत ज्यादा नहीं है बट इलेवेंथ क्लास. तो कैलकुलस में बार बार फंक्शंस को यूज करने की जरूरत पड़ती है, राइट? इन कैलकुलस रियल फंक्शंस are given in the form of algebraic expressions. In fact, algebraic expressions not called different expressions. बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं, सिर्फ एलजेब्रिक ही एक्सप्रेशन नहीं होते और आपको हर तरीके से फंक्शन दिया जाएगा. तो इन कैलकुलस रियल फंक्शंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशंस वेयर डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन is not explicitly defined. Explicitly का मतलब कि आपको clearly सामने सामने आपके दिया नहीं होगा domain और range. ऐसा नहीं कि आपको ये दे दिया है domain है आपके function का या ये range है आपके function का, ऐसे नहीं देखें. या आपको find out करना पड़ेगा.
ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है भाई आपका इस साल का, कि आपको रीच नहीं कर सकता। बिलीव मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप डोमेन और रेंज निकालने किसी भी फंक्शन का तो निकालेंगे कैसे? और या फिर सबसे पहले तो ये बात करते हैं सर क्या होता है डोमेन, ये थोड़ा समझाओ तो जरा। ठीक है अभी तो हमने देख लिया एक बार इनपुट और आउटपुट, बट एक्चुअली होता क्या है डोमेन सर? तो रिलेशंस के लिए डोमेन और रेंज अलग होता है, फंक्शंस के लिए अलग होता है ना? रिलेशंस हो तो जनरली डोमेन और रेंज हमें उसी से निकल जाएंगे जो उसने सेट दिए होंगे, तो वो इजी होता है कैलकुलेट करना। बट जब हम फंक्शन के लिए डोमेन कैलकुलेट कर रहे होंगे तो पहले हमें कई चीजें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा अब मेरी बात सुनो, ठीक है? कैसे समझेंगे हम इस बात को अच्छे से? ऐसे समझते हैं, चलो मान लो मेरे को कोई एक्सप्रेशन दिया, ठीक है? तो डोमेन का सीधा सीधा मतलब है इनपुट से और रेंज का सीधा सीधा मतलब है आउटपुट से, ठीक है? कोडोमेन पे भी चलेंगे अभी, वैसे तो हम जो समझ के आए हैं वही है बट दोबारा हम बताएंगे अभी उसको पहुंचेंगे। तो डोमेन का मतलब है इनपुट, रेंज का मतलब है आउटपुट। आपको इनपुट बताना है क्या क्या आप इनपुट दे सकते हो और फंक्शन क्या क्या आउटपुट दे सकता है ये निकालना है, पर दोनों ही चीजें खुद ही जज करनी पड़ेगी। जज करने के तरीके तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे चेक करना है, कैसे डोमेन के लिए क्या कंडीशन लगाएंगे, सब समझ जाएंगे, ठीक है? बट पहले बात करते हैं डोमेन क्या है। तो जैसे कि सपोज मैंने आपके सामने एक फंक्शन रखा fx = x², मैंने आपसे कहा इसका डोमेन बताओ और इसका रेंज बताओ। रेंज की बात चलो थोड़ी देर बाद बात करेंगे, कल बात करेंगे, आज सिर्फ डोमेन की बात करो। तो डोमेन का मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पहले समझिएगा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या इनपुट इसको दे सकता हूँ। तो पहला आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर दिक्कत क्या है, लाइक इनपुट कब नहीं दे सकते? जो चाहे दे सकते हैं इनपुट, तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं, वो तो रेंज को जो चाहे दे सकते हैं ना, डोमेन को रेंज को हम थोड़ी दे सकते हैं। रेंज तो ये बताएगा हमें क्या आ सकती है क्या नहीं आ सकती। रेंज का मतलब तो आउटपुट है, तो आउटपुट तो ये बताएगा हमें, एक्सप्रेशन के हिसाब से हमें पता चलेगा। पर उससे पहले इनपुट की बात अगर मैं करूं तो इनपुट में प्रॉब्लम क्या है? आप एक्स को जो चाहे रखो, खेलो अपना मजे से, क्या दिक्कत है? दिक्कत है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है जो आपको दिख रहा है। आप एक्स को कुछ भी रख लो, आप एक्स को सारे के सारे रियल नंबर रख सकते हो यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं है। पर दिक्कत कहाँ होगी? दिक्कत यहाँ होगी जब मैं आपका एक्सप्रेशन को ऐसा दे दूं कुछ, समझना मेरे साथ साथ। मैंने एक्स को रख दिया -4, मैंने एक्स को रख दिया -4, रूट ऑफ -4, क्या आप इसको सॉल्व करना जानते हैं? रूट ऑफ -4 सर 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा, पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ सर। हेलो सर, पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर? नहीं सर, मैंने तो नहीं पढ़ा। ठीक है, कहा देखो अगर रूट फोर को मैं कैलकुलेट कर, तो मैंने रूट फोर का आंसर लिख दिया 2। रूट टू को कैलकुलेट कर रहा हूँ, रूट टू ही रहेगा। बट प्रॉब्लम आती है जब रूट के अंदर आप कोई नेगेटिव नंबर रखते हैं, रूट ऑफ -4। यार प्रॉब्लम ये है कि मान लो इसका आंसर x है, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, चलो मैं इसे कैलकुलेट करने का कोशिश करता हूँ। तो मैंने देखा रूट ऑफ -4 का आंसर x है, मान लो मुझे तो पता नहीं यार, मैं x को निकालना चाहता हूँ। मैंने दोनों साइड स्क्वायर करा, दोनों साइड स्क्वायर करा तो इधर से तो रूट हट गया और इधर बन गया x². इस बात का जरा मतलब समझना मेरे साथ। यानी कि मैं रूट ऑफ -4 को निकाल रहा था तो उस बात का ये मतलब हुआ कि मैं एक ऐसा नंबर निकालना चाहता हूँ x, मैं एक ऐसा नंबर निकालना चाहता हूँ x जिसका स्क्वायर -4 के बराबर हो। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर -4 के बराबर हो सकता है?
नो सर, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। हेलो कहा, क्या आप एग्री कर रहे हैं इस बात से? यस सर, क्योंकि सारे स्क्वायर पॉजिटिव ही होते हैं। कोई भी स्क्वायर रखेंगे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आएगा ही। तो इसका, या फिर इस चीज को आप दूसरे पर्सपेक्टिव से समझो, है ना, या फिर ऐसे समझो कि जो नंबर्स आपने पढ़े हैं आज तक, यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी, इन सारे नंबर्स में कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर माइनस फोर हो जाए, क्योंकि या तो नेगेटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, स्क्वायर करते ही पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव ही रहेगा, जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो रहेगा। इन तीन के अलावा तो कोई तरीके का नंबर है नहीं भाई, या तो नेगेटिव, या तो पॉजिटिव, या तो न्यूट्रल। न्यूट्रल जीरो, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, कहीं भी देख लो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता। तो इसका आंसर इमेजिनरी नंबर है। जब रूट के अंदर हम नेगेटिव वैल्यू रख देते हैं तो आंसर इमेजिनरी नंबर आ जाता है। अब आंसर कैसे आता है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, वो हमारे टॉपिक नहीं है। बट द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट प्रॉब्लम, आई जस्ट शोड यू द फर्स्ट प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम कि अगर रूट इन्वॉल्व हो रहा है, अगर रूट आ रहा है, तो रूट के अंदर अपन नेगेटिव नहीं रख सकते, क्योंकि अगर रूट के अंदर अपने नेगेटिव रख दिया तो आंसर आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। और आपके पास, आप तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ नहीं रहे, आप तो रियल फंक्शन पढ़ रहे हो। रियल फंक्शन क्या होते हैं? जिनका आंसर भी रियल नंबर आए और जिनका इनपुट भी रियल नंबर हो। यानी कि आप रियल नंबर ही रख सकते हैं इनपुट, और आउटपुट भी आपको रियल नंबर ही मिलना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ आई? यस सर। कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर रखते ही प्रॉब्लम है। तो अभी जब हम डोमेन के निकालने के मेथड्स पढ़ेंगे ना, वहां पे हम लिखेंगे ये चीज, वहां पे हम ये चीज सब लिखवाएंगे आपको। पर पहले समझ लो कि क्या मतलब है इस बात का। डोमेन का मतलब इस बात से है कि आपको इनपुट भी तो ऐसे ही देना है ना यार, जिससे आउटपुट रियल नंबर रहे। अब आपने इनपुट ही ऐसा दे दिया उसको जिससे आउटपुट रियल नंबर आ रहा है, ये थोड़े ना वैलिड है। आप रियल फंक्शन पढ़ रहे हो, रियल फंक्शन में डोमेन का क्या मतलब है? डोमेन का ये मतलब है औकात क्या है इस फंक्शन की, ऐसे भी समझ सकते हो इसको। मतलब ऑल्दो दिस इज नॉट द राइट वर्ड, बट स्टिल आपको समझ ऐसा आती है चीजें। बिल्कुल, एबिलिटी, ये देख सकते हैं के हम इस फंक्शन को कैसी वैल्यूज दें कि इसका आंसर भी रियल नंबर आना चाहिए। ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप इसको ऐसी वैल्यूज देंगे, आप इसको ऐसे इनपुट देंगे कि आउटपुट आपका रियल नंबर बना रहे, राइट? तो डोमेन, दोज वैल्यूज ऑफ इनपुट, आप लिखो जरा डोमेन की डेफिनेशन। दोज वैल्यूज ऑफ इनपुट्स, जनरली तो एक्स ही होगा आपका इनपुट, घबराना मत। दोज वैल्यूज ऑफ इनपुट्स ऑन पुटिंग विच The output is a real number. The output is a finite real number. Finite real number इसलिए बोला क्योंकि infinity भी कोई चीज नहीं होती है। हमें कभी भी denominator को zero नहीं करना। ये rule तो आप आज के बाद याद ही कर लो। अगर आपको कभी भी denominator में, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर आपको कभी भी denominator में कोई भी variable दिया जाता है, तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट नहीं कर सकते। आपको उस वेरिएबल की वैल्यूज इस तरीके से पुट करनी है कि कभी भी डिनोमिनेटर जीरो ना बने। मतलब सपोज मैंने आपको बोला वन अपॉन एक्स माइनस फोर, राइट? अभी मैं कंडीशन नहीं लिखवाया आपको, बट कंडीशन लिखने से पहले ही यहां तक पहुंचो। मैंने आपको लिखा एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस फोर। मैं कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड द डोमेन। तो डोमेन के लिए बस दो चीजों पर ध्यान रखना, डोमेन के लिए बस दो चीजों पर ध्यान रखना। पहली चीज, क्या इस एक्सप्रेशन के अंदर जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, क्या उसके अंदर रूट आ रहा है कहीं भी? नो सर। दूसरी चीज,
जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्या उसमें डिनोमिनेटर है? हाँ सर है। डिनोमिनेटर क्या है सर? x-4। दो कंडीशंस ये हैं। एक बात, अगर रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन है तो वो होना चाहिए हमेशा नॉन नेगेटिव, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। दूसरी कंडीशन कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए जीरो के बराबर। पहली कंडीशन तो यहाँ पे वैलिड ही नहीं, बिल्कुल नॉट पॉसिबल हो जाएगा, या इनफैक्ट नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डिफाइंड नहीं है उस चीज को। तो x माइनस फोर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये आपको कंडीशन रखनी है कि x माइनस फोर जीरो के बराबर ना हो, जिसका ये मतलब हुआ कि x की वैल्यू फोर के बराबर ना हो। आप x को जो चाहे रख सकते हैं, बस फोर ना रखिएगा, ये कह रहा है। फोर के अलावा सब कुछ वैलिड है। तो मैं इसका अगर डोमेन बताना चाहता हूं तो इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी रख लो एक्सेप्ट फोर, माइनस फोर, फोर के अलावा, फोर को हटा दो, उसके अलावा जो आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, राइट? यस सर। आप अपन इसकी कंडीशन और साथ साथ रेंज निकालना नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फंक्शंस। आप ये समझ लीजिए पहले तो, आपको डोमेन और रेंज निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर हम नहीं भी पहुंचे अगली क्लास में रेंज तक, कोई परेशानी नहीं है यार, अपन के पास बहुत क्लासेस हैं और बहुत इजीली कर लेंगे, बट डोमेन और रेंज आप पूरा टाइम लेके एक एक क्लास में, बट ये सीखनी है अच्छे से, क्योंकि ये ट्वेल्थ में जाके दोबारा काम है। सर ये चैप्टर कितनी क्लासेस में खत्म हो जाएगा? लगेंगी अराउंड 3 या 4 भी लग सकती है क्लास, डिपेंडिंग ऑन के तुम कितना सीखते हो। क्वेश्चंस तो मेरे को सारे ही कराने हैं। ओके, उसके बाद अपन को टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी पढ़ने हैं, भूल गया था मैं आदित्य, 4-5 क्लास तक भी जा सकते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11th और 12th दोनों क्लासेस में आने वाला है, पहली बात तो ये। तो अगर हम 11th में इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो 12th में हमें प्रॉब्लम आने वाली है दोबारा। ओके सर। और इनफैक्ट मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अगर आप इस चैप्टर को अच्छा कर ले रहे तो आपके अराउंड 8-9 चैप्टर्स और अच्छे हो सकते, क्योंकि वो इसी पे ही बेस्ड है, मतलब उनमें हमें इसी के साथ खेलना है, फंक्शंस के साथ ही खेलना है। फिर हम फंक्शन पे क्या क्या कर सकते हैं ये देखेंगे आगे चल, बट अभी पहले फंक्शन को तो जान पहचान ले, थोड़ा समझ से दोस्ती कर ले। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। थैंक यू सर।